जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा जिले में इन दिनों फैक्ट्री को लेकर ग्रामीण में भारी आक्रोश व्याप्त है। बेरला क्षेत्र में लगातार खुल रहा है फैक्ट्री। ऐसा ही एक मामला नेवनारा का है, जहां फैक्ट्री संभव लाइफ साइन कंपनी खुल रहा है, जिसके विरोध को लेकर कलेक्टर के पास शिकायत भी किया है। बता दें कि संभव लाइफ साइन कंपनी द्वारा मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। कंपनी द्वारा किसानों का निकासी नाली बंद कर दिया गया है एवं उनके खेल मेड़ों को काटकर पर्दा बाउंड्री वॉल कर खड़ा कर दिया है। हमारे गांव की मार्श नाले को कब्जा कर रहा है। नाले की गहरे खुदाई कर खाई बना दिया गया है, जिससे मवेशी का चरने फिरने पानी पीने का स्थान है। उसमें मवेशी अगर पानी पीने के उसी नाले में उतरेगा तो बचना मुश्किल है। साथ ही नाले के किनारे लगे हुए बबूल कोहा आदि 60-70 नग पेड़ काट दिए गया है। गांव के किसान बहुत ही परेशान है, चिंतित है कि खेत का पानी निस्तारी कैसे होगा। हमारे जैक्स न्यूज की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची तो किसानों ने पूरे मामला और परेशानी को बताया कि दो बार सरपंच को ग्राम सभा में बुलाए लेकिन नहीं आए। अब कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की और हमें हमेशा पूरे विश्वास है कि कलेक्टर हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। गौरतलब हो कि फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। फैक्ट्री बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र के अंतर्गत नेवनारा में एक संभव लाइफ साइंस कंपनी एक यहाँ अभी काम चल रहा है। इसी के लिए कलेक्ट्रेट में भी ग्रामीण ने विरोध करते हुए इनका कंपनी को तत्काल रोक लगाने के लिए कलेक्टर के पास भी शिकायत किए थे। अभी हम आपको दिखला देंगे कि जो कंपनी है उनका भी पूरे चारों साइड अभी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, और बाउंड्री वॉल बनने के बाद जो आसपास से जो किसान है जिसका खेत है उसमें बहुत ज्यादा इनको दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा पानी आने जाने का जो निकासी है वह पूरा बंद हो चुका है। या नाला है, नाला को भी पूरा जो ज्यादा अपने जमीन से ज्यादा वो गड्ढा खान के आगे बढ़ा दिया गया। वही हमारे साथ जो किसान है, कुछ ग्रामीण है, हम जानेंगे ये जो कंपनी जो अभी हो रहा है क्या कैसे परेशानी है। यहाँ तो आने जाने के भी परेशानी है, इसके बाद गाय गरुआ भी मारे जा रहे हैं, इसके बाद 5-6 मिलकर बस एनएससी दे दिया, कोई पूछा नहीं है। कोई तो मतलब जो पंच है वो आधा पंच को मतलब जानकारी भी ना एनएससी दिया गया। हाँ, मेरा जो 4-5 पंच था वो दे दिया एनएससी, इसके बाद कोई एनएससी नहीं दिया है, कोई आदमी वही दिया है 5 आदमी। ये क्या विरोध है कंपनी के लिए? विरोध वही है कि वो तो कैसे बने सैकड़ों एकड़ जमीन जो ना किसानों का है ऊपर में, उनका पानी निकासी पूरा वही नीचे से ऊपर से नीचे आता है नाले के ऊपर में, अब उसको बंद कर दिया गया है। ये तो मेन समस्या है उनका। उनके बाद दूसरा समस्या हम जैसे मान लो नाला जो है ना उसको जो है ना वो सरकारी है, सरकारी जमीन है, उसमें जानवर भी चरने के लिए आते हैं किनारे किनारे, उसकी भी जो अतिक्रमण कर लिया गया है। नहीं, जैसे आप बताया जा रहा है कि जो पंच है बहुत है, आधा पंच को जानकारी है कि एनओसी दे दिया, अगर नहीं दिया तो फिर क्या होगा? अब उसमें भी देखो ग्राम सभा था 25 तारीख है, उसमें 6 पंच बैठक उपस्थित थे, 6 पंच बैठक में उपस्थित। अभी कई पंच को पूछने पर ये बता रहे हमको पता ही नहीं है। तो आगे आप लोग का क्या रहेगा जिस कि जो सरपंच बिना जानकारी के आधा पंच को ऐसा दे रहे, तो आप लोग का क्या रहेगा आगे? अब देखो हम लोग जो है कलेक्टर शिकायत किए हैं, हमें कलेक्टर के ऊपर प्रशासन के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, वो निष्पक्ष जांच करेगा और कार्रवाई करेगा। अगर 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 नहीं करता है तो उसमें हमारे किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन होगा। जी, अभी जो कंपनी खुल रहा है आप लोग कलेक्टर के पास भी अभी कहते हैं क्या कैसा है? ये तो 100-200 एकड़ को कब्जा कर लिए हैं, 12 फीट जो उसका घेरा दीवार खड़ा कर दिए है, पानी का निकासी बंद हो गया है, सभी किसान परेशान है। और नाला के किनारे में कम से कम 200 पेड़ था, उसको कटिंग करके कहाँ बेच दिए हैं सरपंच पता नहीं है। और जो नाले के पास घास जमीन है वो घास जमीन पूरा कब्जा कर लिए हैं, और कंपनी वाला सुपरवाइजर बोल रहे हैं कि हम एनएससी ले लिए हैं, हमारा क्या कर लेगा करके। तो ऐसी भी पूरे किसान परेशान है, अगर इसमें मनमाजी करेगा ये कंपनी वाले तो उग्र आंदोलन करना है, गांव वाले पूरे जाएंगे और समस्या का हल निकालेंगे। ये थे जो किसान है, इनका कहना है कि जो पंचायत है जो सरपंच है वो बिना जानकारी के एनएससी दिया गया है, और यहाँ का जो और किसान का कहना है कि जो बेमेतरा कलेक्टर है हमारे उनको ऊपर पूरा विश्वास है कि हमारे जो शिकायत है वह सुना जाएगा, और बाय द वे कंपनी में रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। संजू जैन, जैक्स न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
मेरी बात से आप लोग भी सहमत होंगे कि खेती के साथ साथ जो औद्योगिक विकास है उसका अपना महत्व है, लेकिन फिर भी अगर कोई उद्योग लगा रहा है और उसमें अगर वो वैधानिक कार्य नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी। हमने जो फैक्ट्री मालिक है उसको आज ही बुलवाया है और ग्रामीणों की जो शिकायत है उसके संबंध में जांच करके उन पर कार्रवाई करेंगे।